बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू द कैंटर पब्लिशर्स वीडियो लेसन्स। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव विद यू क्लास सिक्स इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड रिसोर्स पैक। रिसोर्स पैक इज फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स गाइडेंस। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम कैंटर पब्लिशर्स ऑफिशियल वेबसाइट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन फ्रॉम यूनिट सिक्स, ट्रिप टू शारदा आज़ाद कश्मीर। SLOs of this lesson are: use adverbs of manner, time, place, frequency, degree and reason. In our previous lessons, we have learned the use of adverbs of manner, time, place and degree. Today we are going to learn the use of adverb of frequency. Page number 71 of your textbook. What is an adverb? Adverb is a part of speech which modifies an action. It tells you when, how, to which extent, why, and in which degree and in which frequency the action has been done. Adverbs that change or qualify the meaning of a sentence by telling us how often or how frequently something happens and defined as verb as adverbs of frequency. We use adverbs of frequency to discuss how often the action is done, like something happens. If a sentence has only one verb, place the adverb of frequency in the middle of the sentence so that it is positioned after the subject but before the verb. Adverb of frequency आपने कब लगाना है? After the subject, subject आपने लगा देना, उसके बाद आपने जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगानी है, उसके बाद आप मेन वर्ब जो होगा या वर्ब उससे पहले आपने लगाना है, आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द वर्ब। यूज टू इंडिकेट रूटीन ऑफ रिपीटेड एक्टिविटीज, सो दे आर ऑफन यूज विद द प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको क्या बताता है? ऐसी चीजें जो डेली रूटीन में होती हैं या जो कि यूनिवर्सल फैक्ट होती हैं, जो कि चेंज नहीं हो सकती। डेली रूटीन में हम लोग खाना भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल जाते हैं, घर के काम करते हैं, ज़्यादातर जो है हमारी डेली रूटीन में यही काम होते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम प्रेजेंट सिंपल टेंसेज ही यूज करते हैं और इसका यूज भी इन्हीं टेंसेज में मोस्टली होता है। ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का चार्ट है, इसमें इसके साथ परसेंटेज भी दी गई है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑलवेज, लाइक शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। Like it's 100% sure that she always speaks the truth. And usually we have 90% chances. Like 10% chances hai ki wo ye kaam nahi karta, koi bhi kaam. Aur 90% kya hai, sure hai ki 90% jo hai ye kaam daily routine mein hota hai. Normally and generally. Iske chances kitne? 80% chances hai. Often ke kitne hai? 70%. एंड समटाइम्स के हैं जो कि काम कभी कभी होता है, उसके 50% चांसेस हैं। एंड ओकेजनली, ओकेजनली मीन्स जब कोई खास मौका हो, कोई ईद हो, शादी हो, या कहीं आपकी मीटिंग वगैरह हो, या आपका कोई इंटरव्यू वगैरह हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? ओकेजनली होती हैं, बहुत कम, जिसके सिर्फ 30% चांसेस होते हैं। एंड सेल्डम जो है इंतहाई कम होते हैं, 10%। एंड हार्डली एवर और रेयरली आपका आएगा बिल्कुल 5% का। इसमें बहुत कम आपके चांसेस होते हैं किसी भी काम के होने के, 5%। और नेवर बिल्कुल 0%, जो कि कभी नहीं किया। आई नेवर इरिटेटेड समबडी, मतलब वो कहते हैं कि मैंने कभी किसी को तंग नहीं किया, तो उसके जो क्या है परसेंटेज क्या है? 0% है। ही नेवर डिड दिस। एग्जाम्पल्स हैं, वी सेल्डम सी जाफर। सेल्डम के कितने परसेंट चांसेस है इधर? यस, 10%। बहुत कम जो है वो जाफर से मिलते हैं या उसको देखने जाते हैं। ताहिर नेवर फ्लाइज, ही ऑलवेज टेक्स द बस। फ्लाइज का यहां पर मतलब है कि बाय एरोप्लेन नहीं जाता, वो हमेशा क्या करता है? बाय बस जो है सफर करता है, ऑलवेज करता है। लाइक 100% श्योरिटी है इधर, उसको मालूम है कि ताहिर जो है बाय बस ही ट्रेवल करता है हमेशा, और वो कभी जो है पाइपलाइन उसने सफर नहीं किया। लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स।
with always, I always study after class. Like it is his routine that he always study after class. उसकी ये routine है, ये present simple tense में आ जाएगा आपके. Study है आपकी first form of verb है. Present simple tense में हमेशा आपकी first form of verb इस्तेमाल होगी. और ये routine की और daily जो काम आप करते हैं वो चीज़ें आएंगी इसमें, जो कि रिपीट होता है या कभी कभी रिपीट होता है. स्टडी के साथ हमने एस क्यों नहीं लगाया, बिकॉज इधर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है. आई, यू, वी और दे के साथ हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाएंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे. अगर यहां पर शी होता तो यहां पर हम स्टडीज लिखते. दूसरा आपका यूजुअली, आई यूजुअली वॉक टू वर्क. अगर यहां पर शी लगा दें हम, शी यूजुअली वॉक्स आ जाएगा. अब यहां पर एडिशन कर देंगे, ही, शी, इट या किसी भी नाउन के साथ या नेम जब आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर शी को हम प्रोनाउन को हटा दें और लिख दें कि सारा यूजुअली वॉक्स टू वर्क, तो सारा और शी या ही या इट यहां पर कुछ भी आ जाए तो यहां पर हम एस का एडिशन कर देंगे. नॉर्मली और जनरली, आई नॉर्मली गेट गुड मार्क्स. Often या frequently, I often read in bed at night. या I frequently read in bed at night. Percentage भी आप लोग देखते जाएं. Sometimes I sometimes sing in the shower. Occasionally I occasionally go to bed late. Seldom I seldom put salt on my food. बहुत कम क्या है, नमक डालता है अपनी food में. 10% chances हैं. या आप देख लें, hardly ever or rarely, I hardly ever get angry, 5% chances. बहुत कम जो है मुझे गुस्सा आता है. एंड never, never में बिल्कुल आपका 0% हो जाएगा. Vegetarians never eat meat. Page number 72 of your textbook, let's do the exercise of it. Choose the correct adverb of frequency in the following sentences. We have 7 sentences here and 4 options for each sentence. You have to choose the correct one. The first one is, he listens to the radio. You can see here, he है हमारा, तो listen में हमने s का addition किया, because this is a simple present tense. If we have he, she, it in a sentence, we have to add s in the first form of verb here. Listen आपका क्या है, main verb है, और he आपका इधर है subject. So, we have to put here the adverb of frequency here. He listens to the radio often, always, occasionally or seldom. या आपका often भी आ सकता है और seldom भी आ सकता है. या तो वो बहुत कम रेडियो सुनता है या often ज्यादातर सुनता है. Always और occasionally नहीं आएगा यहां पर. Occasionally जो है occasion में नहीं आता, ये कोई खास occasion नहीं है जिस पर वो रेडियो सुनता है, and always में भी नहीं आ सकता. Second one, they read a book. अब रीड क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड दे क्या है हमारा, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ भी आपका एस का एडिशन नहीं होगा. दे रीड अ बुक, दे ऑलवेज रीड अ बुक, और दे नॉर्मली, और दे समटाइम्स, और दे नेवर रीड अ बुक. यहां पर आपका क्या आएगा, समटाइम्स आएगा, ऑलवेज नहीं आएगा, नॉर्मली नहीं आएगा. रीडिंग बुक इज नॉट यूनिक थिंग, इज नेवर भी नहीं आएगा, और इधर क्या आएगा, समटाइम्स आएगा. It's like a kind of hobby. Palwa Shah gets angry at anybody. Hardly ever, usually, always or often. अब यहां पर जो है hardly ever is the best option, because गुस्सा होना क्या है, कभी कभी इंसान का होता है, तो usually और always और often बिल्कुल नहीं हो सकता, because almost they have the same frequency. A little difference between them. तो ये हार्डली एवर यहां पर क्या है, सूटेबल है. बाकी के फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, सेवन जो हैं आपने खुद करने हैं. दिस इज योर होम टास्क. पेज नंबर 63 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, यू हैव टू रीड इट एंड अंडरलाइन ऑल द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस पेज हियर, एंड दिस इज योर होम टास्क. Till next lesson, Allah Hafiz and thank you.